हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सोनू कसाना, योर SSC टीचर, एंड दिस इज़ द चैप्टर 5 वाटर फ्रॉम द 7th क्लास ज्योग्राफी SSC. एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रेसिपिटेशन. व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? द क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रेसिपिटेशन. What is precipitation? Just a second. And the answer is, this one. Precipitation means anything falling from the sky, which include rain, snow, hail, etc. on the surface of the earth when they become too heavy and unable to float in the air. Okay students, precipitation samajh aa gaya aapko? Precipitation means anything falling from the sky, jo kuch aasman se gir raha ho, hai na, which includes rain, snow, hail, etc. jisme barish, ole, hai na, barf, sab kuch aa jata hai. और ये चीज़ें कब गिरती हैं? तब वो उस जब आसमान में, हवा में वो आसानी से अपने आप को नहीं स्टेबल कर पाती, नहीं फ्लोट कर पाती, नहीं तैर पाती. द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज वाटर साइकिल. व्हाट इज वाटर साइकिल? वाटर साइकिल क्या है? व्हाट इज वाटर साइकिल? ओके, द आंसर इज the process by which water continues, continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as the water cycle. जिस process में, जिस क्रियाविधि में पानी सागरों, महासागरों और वातावरण से ज़मीन पर आता रहता है, ये जो चक्र चलता रहता है, इसे ही क्या कहते हैं? हम वाटर साइकिल कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स. वेव्स की हाइट को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स होते हैं? So the answer is factors affecting the height of waves. The very first one is speed of wind, duration of wind, and the third one is distance the wind blows over water, है ना, कि हवा की स्पीड कितनी है, हवा की ड्यूरेशन क्या है, समयावधि कितनी है, और डिस्टेंस द विंड ब्लो ओवर द वाटर, कि पानी के ऊपर हवा कितनी दूर तक चल रही है. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर्स अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर. विच फैक्टर अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर? द आंसर इज फैक्टर अफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर. वेरी फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, द सेकेंड वन इज अर्थक्वेक, द थर्ड वन इज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून, और फोर्थ वन इज अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स. अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स. ओके स्टूडेंट्स, तापमान हो गया, भूकंप या किसी ज्वालामुखी का फटना हो गया, ग्रेविटेशनल पुल, है ना, जो ग्रेविटी खींचती है, गुरुत्वाकर्षण बल,
है ना, जो सन और मून के द्वारा लगाया जाता है, एंड अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स, जो पानी के अंदर जो भूस्खलन होता है, जमीन का खिसकना होता है ना, उससे कहते हैं, उससे होता है। नंबर फाइव, व्हाट आर टाइड्स एंड हाउ दे काउल्ड। टाइड्स क्या हैं, ज्वार भाटा जिसे हम कहते हैं हिंदी में, वो क्या हैं और ये किस तरह से बनते हैं, किस तरह से उत्पन्न होते हैं। द आंसर इज the rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called a tide. The rhythmic rise and fall of the ocean water twice in a day is called a tide. Strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the surface of the earth causes the tides, है ना। तो tides क्या हैं, जो rhythmic है ना, मतलब एक लय के साथ जो पानी गिरता और उठता है उसे तो कहते हैं tides। और ये होता क्यों है, क्योंकि sun और moon का जो gravitational force होता है ना, वो पानी को उठाता है ना, फिर उसके वजह से ही वो नीचे गिरता है। तो इसकी वजह से सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होते हैं ये। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट आर ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स क्या हैं, ठीक है, व्हाट आर ओशियन करंट्स। तो ओशियन करंट्स हैं, ओशियन करंट्स आर स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स हैं, धाराएं हैं ऑफ वाटर, पानी की, फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली, जो लगातार बहती रहती हैं, ऑन द ओशियन सरफेस, ओशियन सरफेस पे, इन डेफिनेट डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में जो बहती रहती हैं। द सेकेंड क्वेश्चन इज गिव रीजन्स, गिव रीजन्स, गिव रीजन्स। फर्स्ट वन इज ओशियन वाटर इज सॉल्टी, ओशियन वाटर इज सॉल्टी, कि जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है, क्यों होता है, उसका रीजन देना है। तो आंसर यहाँ पर है, आप लिखिए पहले का आंसर। यस, ओशियन वाटर इज सॉल्टी बिकॉज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड साल्ट, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में नमक घुला हुआ है। अब नमक कैसे घुला हुआ है, मोस्ट ऑफ द साल्ट इज सोडियम क्लोराइड, ज़्यादातर जो नमक है वो सोडियम क्लोराइड है, NaCl, है ना, NaCl, ये सोडियम, ये क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड घुला होता है ज़्यादातर तो, है ना, और कॉमन टेबल साल्ट दैट वी ईट, है ना, या जिसे हम जो हम खाते हैं ना उसे, वो हम NaCl ही खाते हैं, सोडियम क्लोराइड है ना, वही घुला होता है। चलिए जी, द सेकेंड क्वेश्चन इज द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डेट्रियोटरिंग, द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डेट्रियोटरिंग। द आंसर इज द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डेट्रिटिंग बिकॉज वी गेट इट फ्रॉम पोल्यूटेड वाटर सोर्सेज, है ना, पानी की जो क्वालिटी ख़राब होती है ना वो क्यों होती है, क्योंकि हम पोल्यूटेड वाटर सोर्सेज से इसे लेते हैं। दीज वाटर बॉडीज आर गेटिंग पोल्यूटेड, ये जो वाटर बॉडीज हैं ये पोल्यूटेड हो रही हैं, प्रदूषित हो रही हैं, क्यों, टू डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड वेस्टेज। अब उसमें हम कुछ भी मतलब कूड़ा करकट डाल देते हैं अनट्रीटेड किए हुए, उसे ट्रीट नहीं करते, सही नहीं करते, उसे सेवेज डाल देते हैं, पेस्टिसाइड्स डाल देते हैं, टैक्जी कोर डाल देते हैं, डिकेइंग मटेरियल्स इनटू इट, है ना, उसमें मतलब कीटनाशक या नालें या दवाइयाँ, दवाइयों का अपशिष्ट वगैरह हम उसमें डाल देते हैं, जिससे पानी की जो स्रोत हैं वो गंदे हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, पीने लायक नहीं रहे। हाँ, टिक द करेक्ट ऑप्शन पर आ जाइए। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस बाई विच वाटर कंटिन्यूली चेंजेज इट फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियंस, एटमोसफेयर एंड लैंड। तो पहला है वाटर साइकिल, तीन ऑप्शन दिए हैं, वाटर साइकिल, टाइड्स और ओशियन करंट्स, इसे कहते हैं हम वाटर साइकिल। सेकेंड वन इज जनरली द वार्म ओशियन करंट्स ओरिजिनेट नियर
कहाँ जो वाम ओशियन करंट्स होती हैं वो जनरली सामान्य रूप से कहाँ पर ओरिजिनेट होती हैं, वो ओरिजिनेट होती हैं नियर इक्वेटर। ऑप्शंस हैं आपके पोल्स, इक्वेटर, नन ऑफ दीज, तो आंसर है आपका इक्वेटर, है ना, इक्वेटर, भूमध्य रेखा। चलिए जी, द नेक्स्ट टिक है आपका ये क्वेश्चन है, द रिदेमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइज इन ए डे इज कॉल्ड, है ना, टाइम टाइड, ओशियन करंट या वेव। तो सीधी सी बात है, इसे हम कहते हैं टाइड। ओके, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 4 में मैच द फॉलोइंग आपको मिलाना है, है ना, कैस्पियन सी, टाइड, सुनामी, ओशियन करंट्स। और आपके ऑप्शन से मिलाने के लिए लार्जेस्ट लेक कैस्पियन सी हो सकता है, है ना, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ये टाइड होता है, सुनामी, स्ट्रॉन्ग सेसमिक वेव्स, और आपका स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डिफिनिट पार्ट्स ये ओशियन करंट्स हो गया, है ना, वाटर साइकिल इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अब इसके ऑप्शन आंसर चेक करते हैं, देखिए सीधा बिल्कुल वही है। अब आपका आता है कैस्पियन सी, लार्जेस्ट लेक, टाइड, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, सुनामी, स्ट्रॉन्ग सेस्मिक वेव्स और ओशियन करंट्स, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग अलोंग विद डेफिनेट पाथ। ओके स्टूडेंट्स, हैंस योर बुक एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड, डू दिस बुक एक्सरसाइज इन योर ज्योग्राफी नोटबुक एंड कंप्लीट योर वर्क एंड सेंड टू मी। थैंक यू वेरी मच।